हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीट्स एंड स्पाइस। आज हम बहुत टेम्पटिंग चीज़, बहुत इजी रेसिपी, बहुत ही इजी वे से हम चॉकलेट फज बनाना सिखाएंगे, जो लोनावाला का बहुत स्पेशल माना जाता है। चॉकलेट वॉलनट फज बनाएंगे। आज हमने मिक्स ड्राई फ्रूट लिया हुआ है, इसमें आलमंड, कैश्यू नट और वॉलनट तीनों चीज़ें मिक्स है। 150 ग्राम्स नट्स है, 400 ग्राम्स डार्क चॉकलेट कंपाउंड है, 150 ग्राम्स बटर है, वेनिला एसेंस है और 200 ग्राम्स मावा है, खोया जो हम बोलते हैं वो है, और 600 ग्राम्स कंडेंस मिल्क है। तो आइए शुरू करते हैं। मीडियम हीट पे हम पहले बटर ऐड करेंगे। बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही इजी बनने वाली रेसिपी और बच्चे बड़े सबको पसंद आएगी। बटर हल्का सा मेल्ट होना शुरू होता है, उसके साथ साथ ही हम चॉकलेट ऐड कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है अभी हमें। फोर हंड्रेड ग्राम है चॉकलेट, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हल्के से मेल्ट करते रहना है चॉकलेट को। चॉकलेट कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद ही हम दूसरी चीज़ ऐड करेंगे इसमें। अभी भी आप देख सकते हैं बीच बीच में पीसेस हैं चॉकलेट के, उसे अच्छे से मेल्ट करना है और फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं करनी है। एक बार जब तक हम कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करते हैं तब तक। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिल्की चॉकलेट रेडी है। अभी ये टाइम पर हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। अभी थोड़ी सी फ्लेम को हाई करेंगे। कंडेंस मिल्क को अच्छे से पकने देंगे, थोड़ा और ठीक हो जाएगा तब तक। और थोड़ा गाढ़ा करना है इसे। जब आप फज रेडी कर रहे हो उसी टाइम पे इन बिटवीन या तो पहले से ही प्लेट को, जिसपे हम इसको निकालेंगे ठंडा करने के लिए, वो प्लेट को पहले से ही ग्रीस करके रखना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हैं बहुत लूज है। अभी और थोड़ा कड़क करना है इसे, और थोड़ा ठीक करना है हमें पका के। कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसको चलाते ही रहना है बिल्कुल। चॉकलेट बहुत डेलिकेट रहती है, कंडेंस मिल्क भी वैसा है और नहीं चिपकने के लिए सिर्फ एक बटर है, मगर कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहना है। चॉकलेट को चिपकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल जल जाएगी जल्दी से ही। पहले से अभी थोड़ा सा थिक हुआ है, और भी थोड़ा थिक करना है हमें। आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक हो गया है पहले से। पहले बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी थी, अभी थोड़ा सा ड्रॉपिंग हो गया है। अभी इस टाइम पे हम मावा ऐड कर देंगे पहले, खोया ऐड करेंगे पहले। अच्छे से एक बार थोड़ा मेल्ट हो जाए खोया, उसके बाद नट्स ऐड करेंगे। खोया से बहुत अच्छा क्रम्बलिंग टेक्सचर रहेगा फज का, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा। हमने एक्सेस ऊपर से और कोई शुगर ऐड नहीं की है, जो कंडेंस मिल्क का है वही स्वीटनेस का टेस्ट रहेगा इसमें। आप देख सकते हैं फिर से थोड़ा थिन हुआ है ये खोया ऐड करने के बाद, और थोड़ा पतला हुआ है। वापस उसको पका के गाढ़ा करना है हमें। इसके साथ साथ नट्स भी ऐड करेंगे हम, थोड़ा सा बजा के रखेंगे गार्निशिंग के लिए।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ये सब मिला के ऑलमोस्ट 1 किलो 300 ग्राम जितना हो जाएगा। और आप देख सकते हैं अच्छे से ठीक भी हो गया है। अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे इसकी, और फिर भी थोड़ी देर जब तक ये कढ़ाई गर्म है तब तक थोड़ा चलाते रहना है, कंटिन्यू छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। चॉकलेट बहुत जल्दी से जलती है, देख सकते हो बिल्कुल चिपक नहीं रहा नीचे, बटर है इसकी वजह से, मगर फिर भी कॉन्स्टेंटली चलाते रहना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद हमें वेनिला एसेंस भी ऐड करना है, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून जितना। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। ये जगह पे आप वेनिला एसेंस की जगह पे चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, वेनिला भी कर सकते हैं। बबल्स बनना बंद हो गया है मगर फिर भी हमें थोड़ी देर चलाते रहना है। थोड़ा सा ठंडा हुआ है अभी, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बहुत गर्म भी नहीं है। अभी बहुत ठंडा हो उसके पहले हमें ट्रे में सेट करना है इसे। एक मैंने पहले से ही ट्रे को ग्रीस करके रखा हुआ है, ऐड करेंगे उसमें। इवनली स्प्रेड कर देंगे सब कोने में, नट्स से ऊपर से गार्निश करेंगे। फ्रेंड्स इसमें मैंने आलमंड और कैश्यू नट से ज़्यादा वॉलनट लिया है, वॉलनट का टेस्ट चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा आता है और सबसे बेस्ट वॉलनट फजी लगता है। मगर आप अपनी तरफ से टेस्ट में कुछ चेंज करना चाहें, कैश्यू नट्स या सिर्फ आलमंड से या सिर्फ कैश्यू नट से भी फज बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कोई भी नट्स नहीं लेके सिर्फ चॉकलेट से भी फज बनता है, मगर नट्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसके लिए विदाउट नट्स मुझे चॉकलेट फज अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए इसी मेथड से, आपकी पसंद के ड्राई फ्रूट के साथ चॉकलेट फज बन के रेडी है। हमें इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक रुकना है, उसके बाद हम पीसेस कट करेंगे। ठंडा होने के बाद हम सर्व करेंगे, पीसेस कट करेंगे वो ठंडा होने के बाद ही करना है। फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए हैं, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया है, अभी हम पीसेस में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट पीस बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट फज बना है। तो फ्रेंड्स चॉकलेट फज या तो आप बोल सकते हैं लोना वाला स्पेशल चॉकलेट वॉलनट फज बन के रेडी है। एक बार ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा, आप बाहर से लेना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, घर पे इतना अच्छा और इतना ईजीली बन जाता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए घर पे। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए, ऐसे ही वैरायटीज ऑफ फूड हम लाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। आप कुछ भी कमेंट करना चाहें तो मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, कुछ भी आप बनवाना चाहें, कुछ भी आप सीखना चाहें तो ज़रूर मुझे बताइए, मैं बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।